हेलो, मैं एक्चुअली यहाँ पर देव नहीं हूँ. मैं ठीक है, मैं उसका एडिटर हूँ, उसका बड़ा भाई. पेमेंट तो मिलती नहीं है, बट फिर भी एडिटिंग करने में अच्छा लगता है. तो ये चीज़ है जो कहनी है. एक ये एक्चुअली कोई गेमिंग वीडियो नहीं होगी, बस बैकग्राउंड में ये है मेरा भाई. देव ही कर रहा है गेमिंग, उससे एक दो शब्द कर लो. हेलो गाइस. तो अभी मैं गेमिंग कर रही हूँ बैकग्राउंड के लिए. गाइस एक्चुअली है नहीं, बट फिर हाँ भी बैकग्राउंड. ओके ओके, चल निकल, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है. हाँ एडिटिंग करती रहूँगा. तो ये मेरी स्कूल की बात है जब मैं 5th में था. सो ये दो लोग की कहानी है, दो नहीं तीन मान के चल लो. एक, उसका नाम रखेंगे हम आर. उसका नाम आर से स्टार्ट होता था इसलिए आर. ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग करेक्चर. ये बैकग्राउंड में जो नॉइज है इसको प्लीज थोड़ा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, प्लीज 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 थोड़ा बर्दाश्त कर लो. तो फिर क्या होता है, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर. उस बंदे को तुम कुछ भी बोलो, मैम को कंप्लेन करता है. अब भाई कहना तो नहीं चाहता, मैं था आईसीएससी बोर्ड में. समझ में आ रहे हैं यहाँ पर कैसे कुत्ते पाए पाए जाते हैं. यहाँ पर भाई छोड़ो. आओ. सो आर, ये बंदा कुछ भी कर देता था. एंड ए, नाउ शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल एंड शी इज लाइक आर. एंड भाई साहब उससे भाई इतना चिढ़न होता था ना. अब मैं रीजन बताता हूँ. जितने भी लोग थे उसके दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, वो लोग को लगता था ना वो बेस्ट फ्रेंड उनकी, बेस्ट. पीठ पीछे क्या करती थी ए, सबकी चुगली. उसको ये जो इतना गुस्सा आता था ना, तुम बस जस्ट इमेजिन, तुम भाई बेस्ट फ्रेंड हो किसी के, ठीक है, यू आर किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, वो पीछे ही तुम्हारे ऐसे बोल रहा है, हाँ भाई उसने उसको ऐसे मारा, यही किया उसने. एंड वन मोर, माय बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड अस पी. वो उस टाइम 7th में था जो मैं 5th में था. ओके ये चीज. हाँ वो बंदा मेरी हर चीज में हेल्प करता था. 2 साल बड़ा था, बड़ो बंदा मेरी हर चीज में हेल्प करता था. ही वॉज लिटरली द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट. हाँ ओके. तो हम लोग को ना पोकेमोन कार्ड स्कूल लाने का बहुत शौक था. एक दिन लाया, मस्त ट्रेडिंग हुई, हम लोग खेले कार्ड्स पूरे उसमें, ठीक है. सेकेंड डे लाया, पकड़ा गया, भाड़ में जाए हुए कुछ नहीं. सो भाई कार्ड्स, अब कैरेक्टर नंबर ए एंड आर, दे शुड स्टे अलॉट टुगेदर. अब मैं छोड़ो, वो किसी और वीडियो में बोला जाएगा ए और आर की स्टोरी. उन लोग ने मैम को कंप्लेंट मारी. मैंने ये भी अगले वीडियो में बोल दो, इस वीडियो, हाँ इस वीडियो में बोलता हूँ. तो क्या हुआ, मैं और ए, ए दूसरी वाला, दूसरा वाला ए, ही वॉज माई सेकेंड फ्रेंड, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो हिम सिंस सेकेंड, ठीक है, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड ए एम, ए डॉट एम, ए एम, ए एम, उसका नाम ए एम मान लेंगे हम अभी के लिए.
हम लोग वॉशरूम में ट्रेडिंग कर रहे थे। हमारा लंच ब्रेक होता है 45 मिनट्स का, उसमें ही खेलो, उसमें ही जो करना है करो वैसा। ओके, तो ये होता है हमारा लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में हम लोग कुछ खा नहीं रहे थे, हम क्या कर रहे थे वॉइस, हम वॉशरूम में जाएं, हम वॉशरूम में हैं, हम लोग इतने ऐसे इंसान, हम लोग पोकेमोन कार्ड की ट्रेडिंग चल रही थी वॉशरूम में। ठीक है, आधे घंटे नहीं 20 मिनट बीत गए, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब ए और आर को एक चीज पता, आर आर ही वॉज अ बॉय, तो बॉयज वॉश गर्ल बॉयज वॉशरूम में नहीं है। आर केम इन, ही शाउटेड तेरी ऐसी की तैसी एंड सम, एक दो गाली बक के गया, बोलूंगा ही नहीं उनका नाम वरना डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो एक दो गाली बोला वो, और फिर बोला सब पता है तू क्या कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग की फटी, बट वी डिडंट केयर। तो आर ने ए को बोला, वो दोनों हमारी लंच असिस्टेंट के पास गए। अब लंच असिस्टेंट क्या होती है, जो लोग ऊपर बैठकर खाना खाते हैं, अपना घर से जो खाना लाते हैं वो क्लासरूम में ही खाना खाते हैं, तो वहां पर एक लंच असिस्टेंट बैठी हुई होती है। तो लंच असिस्टेंट को उसने ए और आर ने बोला कि ऐसा ऐसा है, ये लोग कुछ कर रहे हैं वॉशरूम में। वो लंच असिस्टेंट जा रहा है, वॉशरूम के अंदर आया, दरवाजा खटखटाया। अब हर एक मेल टीचर के पास सारे बॉयज वॉशरूम की कीज रहती है, जब कोई लॉक करे तो वो खोल सकते हो उसको। ठीक है, आई नो ये बहुत बकवास सी चीज है, बट हाँ। तो ये चीज बहुत बुरी है। ओके बोलो, कोई हगर हो खोल लिया। हाँ तो वो आया, उसने हमको देखा कार्ड्स खेलते हुए, उसने ले लिए कार्ड्स, बट हमारे लंच असिस्टेंट को अभी तक ये नहीं पता था कि कौन बोला है वो, बिकॉज हम लोग ने ना, हमारा प्लान कुछ अलग ही था। अगर हम पकड़े गए तो हम लोग ने ए और आर के बैग में एक 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 कार्ड डलवाने का प्लानिंग किया था। ओके, ए और आर के बैग में एक एक कार्ड डलवाने का प्लानिंग किया था, जिससे वो भी फंसे। अब वो चीज कौन करने वाला था, पी पीना, अभी तक पी का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ओके पी अपना खाना खा रहा था नीचे कैंटीन में, ही टोटली फॉरगॉट अबाउट दैट, और हम लोग फंस गए। प्रिंसिपल मैम के पास कार्ड लेकर गए, मैम ये कर रही है, मैम जोर चिल्ला रही है हमारे ऊपर, ऐसा ऐसा करो, हाँ बेटो ये सब करो, हाँ। नहीं, उस टाइम हमने कुछ बोला नहीं, बिकॉज हम सर हमको वो लेकर जा रहे थे साइड में। ए और आर हमारी कंप्लेंट करते करते, बीच रास्ते में करते करते लेकर जा रहे थे हम लोग को प्रिंसिपल के पास। सर को आई खुंदक, हमारे लंच असिस्टेंट को ये हुआ। पी हमको देख रहा है कैंटीन से, मेरे को बहुत गुस्सा आया पी पे, बट 5 मिनट्स की डांट के बाद बोला था यू विल गेट सस्पेंडेड, समथिंग लाइक दैट, यू विल गेट सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे। अब ए और आर की ना बातों पे जल्दी विश्वास कर लेते थे लोग, और उनको कुछ ज्यादा बड़ी कंप्लेंट पड़ती नहीं थी। ए बैठी टॉपर और आर बैठा मेल का टॉपर, तो इन लोग पे ना कोई वो आसानी से भरोसा किया जा सकता था। अब वो लोग बोल भी सच ही रहे थे। पी ने जल्दी अपना काम किया, वो 5 मिनट के बाद जल्दी भागा मेरे क्लास में, कार्ड डाला बैग्स में, और फिर वो जल्दी प्रिंसिपल रूम के पास आया भाग कर। प्रिंसिपल रूम के पास वो आया भाग कर, कह रहे मैम अंदर आया वो, मैम हम पे चिल्ला रही, उसने देखा उस वो हमारा, हमें बचने से कौन बचाया, द लेजेंडरी बॉय पी।
उस बंदे ने क्या बोला, मैम ये लोग कार्ड्स लाए, इनके बैग में पड़े हैं, और इन लोग नहीं ये इन ये मेरे, और देखो अब मेरा नाम आरव है, ओके मेरा नाम आरव है, जो मेरे से ट्रेडिंग कर रहा था उसका भी नाम आरव है, तो हम लोग आरव हैं, ठीक है। तो उसने वो बोल रहा है, मैम पोकेमोन कार्ड ये ए और आर ही लाए हैं। मैम पहले तो भरोसा नहीं की, फिर क्या हुआ गेस कर लो, छोड़ो फिर क्या हुआ, पहले तो मैम भरोसा नहीं किया, हमारे ऊपर डांट रही थी, अब पी को भी अंदर डांटने लग गए, तुम ऐसे झूठ बोलोगे। पी वापस से खड़ा हुआ, ही वॉज द सीनियर ऑफ द स्कूल, सबसे उस टाइम सिर्फ सेवेंथ तक थी हमारी क्लासेस, और वो सेवेंथ में था उस टाइम, तो ही वॉज द बिगेस्ट। पी खड़े हुआ, उसको डर नहीं था भाई, किसी के बाप से डर नहीं लगता था उस बंदे को, वो खड़ा हुआ, ठीक है। वो बोला, मैम बैग चेक कर लो ना, इतना ही डांटना है, बैग चेक कर लो। मैम ने बोला ये भी सही है। मैम ने क्या चेक, एक एक कार्ड मिला। उन दोनों को तो डांट पड़ रही है, वो तो पढ़ ही रही है। फिर क्या हुआ, मैम ने बोला आई एम सॉरी आरव एंड आरव, आई एम वेरी सॉरी, इट विल नेवर हैपन अगेन विदाउट एनी प्रूफ। एंड भाई लंच असिस्टेंट को भी ऐसे मतलब झाड़ दिया पूरा, तुम भाई ऐसे कैसे कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, यू शुड ऑलवेज टेक द प्रूफ एंड एवरीथिंग, तुमको प्रूफ हमेशा पता होना चाहिए। लंच असिस्टेंट को भी झाड़ा साथ में और आर को, बट ए और आर को सिर्फ कुछ पनिशमेंट मिली, जैसे मतलब ये लोग लंच ब्रेक में नीचे खेलने नहीं जा सकते एक हफ्ते तक, और इनके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। अब पेरेंट्स को कॉल करने के बारे में तो नहीं पता है मेरे को, बट हाँ ये चीज़ हुई है टोटल, हाँ इतना बोलूँगा, ये चीज़ हुआ है एंड ये चीज़ हुई थी गाइस, सबसे ये मेन था, यही हुआ था हमारा कि पी ने मेरे को कैसे बचाया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, सब्सक्राइब लाइक दोनों कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, होप सो आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आया हो, नहीं पसंद आया तो ठीक है यार, फिर भी ठीक ही है, बिकॉज मेरे को ये व्यूज के लिए नहीं करना था, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय वन एक्सपीरियंस विद यू गाइस, सो ओके गाइस बाय बाय। Nice.